बाल की केयर कैसे करें। गीले बालों में कंघी मत करिए। डोंट ब्रश योर हेयर व्हेन दे आर वेट। अगर करना है तो बहुत चौड़े चौड़े कोम वाले से करिए, हल्के हल्के करिए, बाल तोड़िए मत। डोंट बी रफ टू योर हेयर। ब्लो ड्राई से दूर रहिए, नेचुरली ड्राई करने की कोशिश करें। शैम्पू वो यूज़ करें जो कि पैराबेन फ्री हों, सल्फेट फ्री हों, सिलिकॉन फ्री हों, ऐसे वाले यूज़ करें। आप पीएच बैलेंस न्यूट्रल वाले शैम्पू यूज़ करें। आपको बालों की कंडीशनिंग करनी है तो आप बियर यूज़ कर सकती हैं शाइन के लिए, आप दही लगा सकती हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप राइस वाटर थेरेपी कर सकते हैं जिसमें कि राइस को भिगो लीजिए और उसका जो पानी है वो फर्मेंटेड पानी है, आप उसको लगा सकती हैं कंडीशनिंग के लिए। इसी तरह जो घरेलू उपाय हैं, आंवला रीठा शिकाकाई से आप बाल धोएं। आपको इच्छा हो तो आप हेयर पैक, प्रोटीन पैक के लिए अंडा जो है, अंडे का जो वाइट है उसका हेयर पैक बना के आप बालों में रूट्स में लगा सकते हैं। घरेलू उपाय में तो मेथी दाना भिगो के उसकी पेस्ट बनाना, या फिर कलौंजी को भिगो के उसकी पेस्ट बनाना, प्याज, ताज़े प्याज का रस निकालना, अदरक का रस निकालना, गार्लिक है उसका रस निकालना, ये सब आप अपनी स्कैल्प पे लगा सकती हैं रेगुलरली। ये कहते हैं कि इसके अंदर जो इरिटेंट हैं वो बालों को रीग्रो कराते हैं, तो ये अंडरस्टैंड करिए कि स्ट्रेस से दूर रहना है, तनाव से दूर रहना है, सडन क्रैश डाइट नहीं करना है, सडन वेट लॉस नहीं करना है, अपने आप को फिजिकली भी ज़्यादा स्ट्रेस आउट और ट्रॉमेटाइज नहीं करना। गुड डाइट, गुड स्लीप, रेगुलेटेड स्लीप बहुत ज़रूरी है। कि जो हमारे बाल हैं क्या उसमें हम तेल लगाएं कि ना लगाएं? जी बिल्कुल, आप तेल लगा सकते हैं, हल्का वार्म तेल लीजिए, कोल्ड प्रेस तेल लीजिए, उसको रूट्स पे लगाइए, उसको मसाज करिए। मसाज अपने आप, अगर तेल नहीं भी आप लगा रहे तो मसाज का अपना फ़ायदा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन से हेयर के रूट को न्यूट्रिशन मिलती है, नया हेयर अच्छा ग्रो करता है। कंडीशनिंग से बालों में शाइन आती है, बाल उलझते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, फ्रिजी नहीं होते, स्प्लिट एंड्स नहीं होते। आपके जो ऑयलिंग है, ऑयलिंग से भी स्कैल्प को न्यूट्रिशन मिलता है, बाल का लस्टर बढ़ता है और बालों के रूट को खुराक मिलती है। महाभृंग आदि, भृंगराज, ये जो हैं ये तेल में डाले हुए हैं। तेल को भी आप कैस्टर ऑयल देखिए, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत थिक होता है, तो कैस्टर ऑयल का एक हिस्सा ले लिया, हाँ 3/4, और 1/4 आपने उसके अंदर कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर लिया। उसके अंदर चाहें तो आप मेथी और कलौंजी डाल के, कड़ी के पत्ते यानी बे लीव्स डाल के उनको पका सकती हैं। पकाने के बाद आप उसको ग्राइंड भी कर सकती हैं, चाहे तो उनको हटा दीजिए, केवल ऑयल यूज़ करिए। सारे प्रक्रियाएँ हैं। राइस वाटर जो है, आप चाहें तो चावल ले लें, उसमें पानी डालें, उसको भिगो दें, 30 मिनट बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि उसी पानी को आप ढक के 24 घंटे रख दें, वो पानी जो है थोड़ा खट्टा हो जाएगा, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर लें बालों में इस्तेमाल करने के लिए। चाहें तो पूरे बालों में लगाएं, चाहे स्प्रे करके लगाएं, फिर कंघी करें, फिर उसको आधा पौना घंटा रखें, फिर धो लें। चाहें तो आप अगर उस वक्त यूज़ नहीं करना है तो फ्रिज में रख सकती हैं, 2 दिन तक वो काम आ जाता है। फ्रेश तो प्रोडक्ट फ्रेश ही होता है। रंग भी आपको करना है, हेयर कलर भी यूज़ करना है, तो अमोनिया फ्री यूज़ करने की कोशिश करें, नेचुरल कलर्स यूज़ करने की कोशिश करें। कॉफ़ी, मेहंदी, कत्था, बीटरूट, चुकंदर जिसे कहते हैं, ये सारे नेचुरल कलर्स देते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं।